चुनाव प्रचार के लिए निकलते हुए दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने पूरब टाइम्स की टीम को बताया कि स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों होती है। महोदय जी, मेरा आज का सवाल है, छत्तीसगढ़ में बाहर के स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों है, जबकि लोकल स्टार प्रचारक जो हैं वो उम्मीदवारों को भी जानते हैं, वस्तु स्थिति को भी जानते हैं, और बाहरी स्टार प्रचारक तो विधानसभा का नाम भी नहीं जानते। देखिए, एक परिपाटी सा सिस्टम सा है। लोकल जो स्टार प्रचारक हैं वो पूरा काम करते रहते हैं, सबको जानते हैं, ये आपका कहना सही है। पर बाहरी स्टार प्रचारक को इसलिए बुलाया जाता है कि एक शब्द है, माहौल बनाए रखिए, तो उसके लिए एक चार्मिंग होता है। अब जो शब्द है, पर मैं कहूँगा अपने राजनीतिक शब्द है, माहौल बनाए रखिए। तो इसलिए लोगों में एक उत्साह वर्धन होता है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है, ये है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि स्टार प्रचारक के लिए भीड़ बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ गया, स्टार प्रचारक आजकल नाराज हो रहे हैं। नहीं, हम तो अपने अब दूसरे क्षेत्र में क्या है मैं नहीं जानता, हमारे क्षेत्र में तो लोग उत्सुक हैं अगर कोई आए तो। और लगता है कि मान लो कोई क्रिकेटर है तो वो उनको देखना चाहता है, ये उत्साह है चुनाव से बहुत। लेकिन एक वेव होता है, माहौल बनाओ, लोगों को अच्छा लगता है, ये तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि भीड़ बढ़ाने के लिए दबाव है या उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। और भीड़ तो ऐसा है, देखिए कोई पैदल तो आएगा नहीं, तो अपने साधन से आते हैं लोग, ऐसा नहीं रहता कि बहुत भीड़ बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, तो सामान्य सा है, चलता है। बुद्धिमान ताम्रध्वज साहू के जवाब सटीक होते हैं, पर वे जनता को कितना प्रभावित करते हैं यह केवल चुनाव परिणाम से ही पता लगेगा।